वेलकम बैक। तो भाई G7 वाले तो यही कोशिश अब कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो उनके साथ ज्वाइन कर ले, तो उनको अब बड़ी वो उस टाइप से कहते हैं ना, क्या बोलते हैं कि वो बहुत ईगर हैं कि इंडिया को अब लें ताकि G7 वो ही उतना ही स्ट्रांग रहे जैसे पहले रहता था। तो न्यूज़ है, भारत को सदस्यता देने के लिए राजी, G7 का फास्ट मूव, हैरान रूस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भारत को नेटो की मेंबरशिप का ऑफर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से दिया गया था, जो कि भारत की इंपोर्टेंस वेस्टर्न कंट्रीज में और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कितनी ज्यादा है ये साफ तौर पर दर्शाता है। वहीं ग्लोबल मंच पर लगता है कि भारत की पावर अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि दुनिया के एक और सबसे बड़े संगठन में भारत की सदस्यता को लेकर मांग उठने लगी है। भारत के पास इस समय G20 और SCO जैसे संगठन की अध्यक्षता पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब खबरें आ रही है कि भारत को G7 कंट्रीज में ऐड करने की बात शुरू हो गई है, यानी कि G7 से ये संगठन G8 बनने की तैयारी कर रहा है। अभी तक जितने भी G7 की मीटिंग हुई है उन सभी में भारत को एज ए चीफ गेस्ट इन्वाइट किया जाता था, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए अब भारत को इसका परमानेंट मेंबर बनाने की आवाज उठने लगी है। तो चलिए दोस्तों हमारी आज की इस खास वीडियो में समझते हैं कि आखिर भारत को क्यों इस संगठन में सदस्यता देने के लिए उतर आई है G7 कंट्रीज। भारत कितनी तेजी से आत्मनिर्भरता अभियान के चलते दुनिया भर में अपने पराक्रम को दिखा रहा है, ये बात तो किसी से नहीं छुपी है। वर्ल्ड ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर डिफेंसिव क्यों ना हो, हर क्षेत्र में भारत का नाम आपको टॉप पर नजर आएगा, जिसके चलते अब दुनिया के बड़े बड़े संगठन भारत की जरूरत को समझने लगे हैं। हाल ही में दोस्तों द टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल रिलीज किया जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रिटिश मीडिया की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर चीन की GDP को बीट करना है तो भारत को G7 का हिस्सा बनाकर इस संगठन को G8 बनाना ही होगा। इस वक्त इस डिमांड पर जोर काफी तेजी से दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि G7 समिट की मीटिंग बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है। खबर है कि मई के आखिर तक G7 की मीटिंग जापान में होस्ट की जाएगी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री शिरकत जरूर करेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वक्त आ चुका है कि भारत को G7 का हिस्सा बनाकर इसे G8 ही कर दिया जाए। दोस्तों भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने वाला देश है, साथ ही इसकी इकोनॉमी भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में भारत का बोलबाला है और इसीलिए G7 की जब भी मीटिंग होती है तो भारत को एज ए चीफ गेस्ट इन्वाइट किया जाता है। लेकिन ये संगठन इस बात में इतना जोर इसलिए दे रहा है क्योंकि भारत और चीन इस वक्त दुनिया के दो ऐसे हैं जो अपने कंधे पर पूरे के पूरे अपने ब्रिक्स संगठन का भार को संभाले हुए हैं। ये दोनों देश जहां एक साथ हो जाते हैं तो उस संगठन में वैसे ही वजन बढ़ने लग जाता है, क्योंकि इन दोनों ही देशों में पूरी दुनिया की 45% से ज्यादा की आबादी मौजूद है, और इसी के साथ साथ इन दोनों ही देशों के इकोनॉमिक पावर को जोड़ दिया जाए तो ये किसी भी बड़े संगठन को मात दे सकता है। और ये बात हवा में नहीं कही जा रही दोस्तों, बकायदा एक ऑफिशियल आर्टिकल छपा है जिसमें ये कहा गया है कि ब्रिक्स संगठन ऑफिशियल तौर पर G7 कंट्री को ग्लोबल GDP के मामले में टेक कर चुका है। जहां पर बात आती है ग्लोबल GDP में कंट्रीब्यूट करने की, तो उसमें जो ब्रिक्स संगठन है वो G7 कंट्री के मुकाबले ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अब ऐसे में एक तरफ जहां G7 में दुनिया के टॉप 7 इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री शामिल होती है, तो वहीं ब्रिक्स में सिर्फ 5 देश मिलकर इस संगठन को चला रहे हैं, जिसमें ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रूस, चीन और इंडिया शामिल होते हैं, और इन 5 में से 3 देशों के हालात वैसे ही काफी खस्ता है, यानी कि सिर्फ भारत और चीन के कंधे पर पूरे ब्रिक्स संगठन चल रहा है, जिसने आज पूरी दुनिया भर में अपनी धाक जमा दी है। लेकिन आने वाले वक्त में इकलौता इंडिया ही ऐसा देश बचेगा जिसकी इकोनॉमी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन इस वक्त चरम पर है और उनका डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा हो रहा है। वहीं चीन की पॉपुलेशन भारत से नीचे आ चुकी है और कुछ ही वक्त में 100 करोड़ से भी नीचे चली जाएगी, यानी कि इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतनी ही तेजी से गिरेगी जितनी तेजी से इसकी पॉपुलेशन गिरती जाएगी। वहीं भारत में मेजोरिटी का पॉपुलेशन यूथ का है, यानी कि भारत को आने वाले वक्त में डेवलप होना तय है। वहीं पर दोस्तों हाल ही में ब्लूमबर्ग ने एक सर्वे भी किया था कि आने वाले वक्त में ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनमें रिसेशन आने की काफी ज्यादा चांसेस हैं, जिसे लेकर इन्होंने इनका इन्फोग्राफिक्स भी जारी किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इन्फोग्राफिक में जो हाई रिस्क में देश शामिल होते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था किसी भी वक्त डामाडोल हो सकती है, उसमें G7 के हर एक कंट्री का नाम शामिल था। वहीं उन देशों की लिस्ट में जिसमें रिसेशन आने के 0% चांसेस है, इसमें इकलौता भारत शामिल था। तो यानी कि साफ हो चुका है कि G7 अब धीरे धीरे अपना
अपना रेलिवेंस अपने इम्पोर्टेंस को खोता जा रहा है और इसीलिए वो जोर दे रहा है कि भारत को इसमें शामिल कर लिया जाए, क्योंकि अगर भारत इसमें शामिल हो जाएगा तो ग्लोबल जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ भारत को इसका हिस्सा बनाकर उनकी जो इम्पोर्टेंस है वह भी बरकरार रहेगी। वहीं पर भारत जो विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसे शामिल करने से भविष्य में होने वाले रिसेशन के खतरे को भी टाला जा सकता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर भारत को G7 में शामिल करने का ऑफर आता है तो क्या भारत को इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं तो कहती हूँ कि इनविटेशन दिया है ना अभी हमको आने का G7 में, तो उससे पहले ही कर दो या जब वहां आए तो वहीं पे कर दो कि ओके यू आर पार्ट ऑफ इट, तभी वो जो भी अगर कोई साइनिंग अप होती है कुछ होता है करके कर देना चाहिए, वो प्रोसेस करना शुरू कर देना चाहिए और वहां मीटिंग में सारे प्रोसेस खत्म कर देना। नॉमिनल जीडीपी में भी ब्रिक्स जो है बहुत क्लोज आ रहा है G7 के, वही तो, तभी तो उनको हो रही है G7 को कि भैया ये तो कंपटीशन में इक्वल हो रहे हैं तो हमारी वैल्यू कम होएगी, तो यही तो देखो कितना फायदा हो रहा है इंडिया को, और इंडिया को ये सब फायदे उठा लेने चाहिए कि आप, क्योंकि अब आपकी ज़रूरत पड़ रही है ऑर्गेनाइजेशंस को, आप ज्वाइन इन करो, साथ में उनसे बात करके बोलो, वो जो वीटो है ना जो तुम भूल रहे हो वो चाइना को दी हुई है हमको नहीं दी हुई, उसका भी कुछ करो, तो वो सब प्रेशर बनाना चाहिए। इस ये सब सिचुएशन से पता चल रहा है इंडिया कितना पावरफुल बन रहा है कि सब अब कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में अपने उसमें डालने की टू बी अ पार्ट, कि इंडिया पार्ट होए। पहले क्या होता था, पहले चाइना की कोशिश होती थी कि चाइना को घुसाएं सब लोग, अब क्योंकि चाइना को तो, क्योंकि चाइना ने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं कि अब वो तो ओपोनेंट बन गया है, राइवलरी हो चुकी है, तो इंडिया को उस चीज़ का फ़ायदा उठा के अपनी ग्रोथ इस टाइप की रिलेशनशिप बना के, जैसे चाइना फायदा उठा के बड़ा था ना, मैं तो बाबा कहती हूँ वैसे इंडिया को भी सबसे फायदा उठा के खुद को ग्रो करना। देखिए G7 को पता है कि उनको एक कंट्री चाहिए होगी जिसे वो ट्रेड कर सकें और उनका रिसेशन ना जाए, रिसेशन उनकी ग्रोथ, अगर वो ट्रेड करते हैं तो किसी भी तरीके से उनका होप तो यही है कि वो माल अपना मैन्युफैक्चर करें या बेचे इंडिया को, मगर इंडिया चाहता है नहीं हम तुम्हें भेजेंगे, हाँ, तो हर जगह थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। मगर उनको इतना पता है कि इंडिया तेज़ी से आगे जा रही है, कंट्री बेटर है कि उसके साथ जुड़े रहें और ट्रेड इंक्रीज करें, चाहे जो पर भी है, इंडिया भी इंपोर्ट करेगा, इंडिया भी इंपोर्ट करता है तो वहाँ पे उनकी इकानमी जो है आगे बढ़ती है, जहाँ 0.5 है जहाँ 1% है वहाँ से अगर 1.52 हो जाए तो भी सबको बेनिफिट हो गया, तो इसीलिए सबको ये है कि इंडिया जो है ग्रोथ आगे बढ़ रहा है। और ऑब्वियस है कि अगर आप देखें जीडीपी पर कैपिटा जिन कंट्रीज़ का ऑलरेडी काफ़ी हाई है वो ऑलरेडी अपने मैक्स लेवल तक पहुंच चुके हैं, इसीलिए उनकी ज़्यादा इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती, ऑलरेडी एक एक बंदा इतना कमा रहा है कि उससे आगे एक और क्या कमाए उसके लिए बहुत प्लानिंग चाहिए, मगर जिन कंट्रीज़ में जीडीपी पर कैपिटा कम है उसका बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। स्पेशली पूरा वेस्ट चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग सारी चाइना से निकलकर इंडिया में चले, और इंडिया के लिए बहुत ये फायदेमंद चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, और ये तेजी से होना चाहिए कि फटाफट जो है आप सारी चीजें चाइना से निकाल के इंडिया में मैन्युफैक्चर, जितना जल्दी हो जाए उतना इंडिया के लिए फायदेमंद होगा। बेस्ट तो यही है कि अगले 5 साल में मेजॉरिटी जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में चली जानी चाहिए, बिल्कुल। तो चलो अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।